इनका तो इनका राधेश कुमार सिंह, और ये बढ़ते हुए चलते हुए। ये देखो भाई, इनने तो हैंड छोड़ दिया, बस जय अंकल थोड़ा सही बैठे हुए दिख रहे, वरना ये तो यहाँ पे आएंगे तो पीछे हो गए लोग। भाई सही चला रहे हैं सारे बाइक को, ऐसे अपन छोटे में छोटी छोटी बाइकों को तोड़ कोई खेलते नहीं थे उनके साथ, वैसे ही चला रहे हैं सारे के सारे। ये देखो रोमांचक प्रदर्शन से ये देखो भाई सीढ़ियों पर बैठ गए। पहली बार दिख रहा हूँ लाइफ में इतना मस्त प्रोग्राम। तो भाई टेकनपुर ग्वालियर में ही ये टीम पूरी तरह तैयार हुई। देखो भाई साहब आज ही यही प्रशिक्षण प्राप्त करती है। ये देखो कितने मस्त तरीके से लगे हैं चलाने। ये देखो कमीशन, ये और भी मस्त लग रहा है। बैक फुट फुट रेस्ट राइडिंग, अभी आपने अलग अलग जगहों पर किस तरीके से बैठ के संतुलन बनाते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। यह एक वन पैर पर चलाने का क्या मजा आता होगा, है ना, अलग ही मजा आता होगा भाई साहब। विश्वजीत सिंह अगली फॉर्मेशन, एक एक पैर पर बाइक चला रहे हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है जो इसने अपना, ये देखो नेक्स्ट अंकल आ गए, उल्टे बैठ के चला रहे हैं, कोई सीधे तो चला ही नहीं रहा है भाई। रविंद्र ये देखो अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला उनका वो है, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस चलाने का, ग्राउंड पर है मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता उन्हें भाई साहब। सच में आर्मी वालों का अलग ही जिगरा होता है, अपन सब होते हैं ना डर जाएंगे इतना भाई खतरनाक स्टैंड कोई नहीं कर पाएगा। बुलेट लेके हर कोई रोल तो कोई भी मार देता, बट ये स्टैंड करना तो बहुत ही मुश्किल है। एक मोटरसाइकिल एक जावाज बुलेट इस तरीके से चलाई जाती है, देखो दूरबीन से देख रहे हैं, नजर आप देख सकते हैं कि किस तरह दूरबीन से देख रहे हैं भाई साहब जी। इस समय संतुलन का नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव में पूरे भारतवर्ष में अपने साहसिक प्रदर्शन को टीम कैप्टन है, जो कि नई सीडी वगैरह पे जो कि कुछ है ना सभी इन्होंने ही किया हुआ है। मैं सोचा जैसे साधा क्यों आ रहे हैं, अच्छा वो ज्वाला अलग से स्टैंड दिखाने वाले हैं, जो कि गोल गोल है ना कुछ, इसमें से कुछ जला के ऐसे कुछ दिखाने वाले हैं। अभी देखो उस साइड को देखो वो अंकल, अब पता पड़ा जी अंकल साधा क्यों आ रहे हैं इधर से। ये देखो वहाँ पे वो अंकल लेटे हुए हैं, देखो ओ भाई कुछ करने वाले हैं तो ओहो नेक्स्ट लेवल। भाई अंकल के ऊपर चढ़ गए, मतलब एक अलग ही वाला, एकदम उनके लगी भी नहीं भाई साहब, कितने दूर से आ रहे हैं। सच में ही भाई आर्मी तो बहुत महान है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कांस्टेबल मिंजे रविंद्र और उनके साथी जी, सब देख के तो मेरा भी मन करने लगा अब तो आर्मी में जाने का। हालांकि BSF में आके ऐसे अलग अलग स्टैंड देखने मिलते हैं ना, ये देखो ये तो इनका खैर नॉर्मल है, होंगे तो बहुत भी तगड़े तगड़े होने वाले हैं। निगाहें आगे होनी चाहिए, अलग ही भाई साहब सारे ब्लड ले लेके खड़े हो गए हैं। अब पता नहीं इनके स्टैंड के बारे में कोई भी गेस नहीं कर सकता है क्या करने वाले हैं अगला स्टैंड, बहुत ही अलग अलग कर रहे हैं ना इस चक्कर में, कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सभी वैसे ब्लॉगर बैठे हुए हैं, ये देखो अलग अलग बाइक ले चले हैं, क्या करने वाले हैं आज। अच्छा जी सर्कल के अंदर आने वाले हैं सारे के सारे मुझे लग रहा है, बट कोई नहीं इनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते क्या अगला स्टैंड होने वाला है इनका, इतनी सारी बाइक लेके आ रहे हैं। बस आप सामने देखते रहिए और रोमांचित होते रहिए। ओ भाई क्या करने वाले हैं, जहाँ कहीं भी इवेंट होता है इस बीच में बहुत अधिक बोलना हम उसे नहीं समझते। ये देखो क्या कर रहे हैं जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं। सारे बुलेट ले लेके बहुत ही तेज वाला बेस निकाल रहे हैं बुलेट का, अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला बेस आ रहा है। वैसे आपको वीडियो में इतना नहीं सुनाई दे रहा होगा, मतलब इस साइड तो भाई साहब वीडियो के बाहर तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला बेस सुनाई दे रहा है। अभी ये देखो भाई
क्या करने के वाले हैं जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कोई गैस नहीं कर पा रहा है, इधर सभी बैठे हैं, कोई नहीं कुछ समझ पा रहा है क्या करने वाले हैं। बुलेट भी तो उनकी भाई अलग ही साउंड वाली है, ये वाली बुलेट तो बहुत ही कम लोगों पे हुई आज के टाइम पे। कोई ऐसे बुलेट चलाना सीखो भाई, एक सारे बुलेट चला रहे हैं और एक ही सर्कल बना के चला रहे हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है। ये देखो भाई अलग ही चलाने लगे हैं। वो एक अंकल की बाइक गिर गई है वहाँ पे, तो बस अलग ही चलाने लगे अपना तो। ये देखो, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अलग ही सर्कल लोगों के मतलब निकाल रहे हैं बाइक वगैरह को। ये सीखते कहाँ है, कौन सा स्कूल है इनका भाई साहब, इतने कर रहे वाले मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल वाले स्टैंड सिखा देते हैं ना। ये देखो क्या करने वाले हैं भाई, कुछ कोई समझ नहीं पाएगा इनके बारे में, क्योंकि ये अपने तो परे हैं, मतलब अपने क्या सभी के परे हैं भाई साहब BSF वाले तो। साउंड देखो भाई साहब, साउंड कितना मस्त साउंड आ रहा है, सभी लोग पीछे तो खड़े हो गए हैं भाई। ये देखो अभी फिर एक झुंड बना लिया बुलेट ही बुलेटों का, अब पता नहीं क्या करने होंगे। क्या करने वाले डायमंड फॉर्मेशन, अब जो अगला स्टैंड डायमंड फॉर्मेशन करने वाले हैं, सारे एक साथ खड़े हो गए हैं। वैसे इनके लिए ताली बजाने लायक है, बट मैं अपने छाती से अभी सल्यूट कर देता हूँ भाई, एकदम मस्त कर रहे हैं, सल्यूट करना तो एक बनता ही है। अभी फिर आ गए, अब कुछ अलग करने वाले हैं। ये देखो भाई ये वीडियो ना मैं बताऊं कि 2-3 पार्टों में बटने वाली है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्टैंड रह गए हैं अलग अलग तरह के, तो इस चक्कर में वीडियो तो ये 2-3 पार्टों में बटने वाली है भाई, अलग अलग एपिसोड आएंगे इस वीडियो के। और अब आपके समक्ष एक ऐसा प्रदर्शन होगा। देखो अंकल पेट्रोल से इस सर्कल में आग लगाने लगे हैं, और आग लगाने के बाद इसमें बुलेट वगैरह निकालेंगे। एक बात मतलब जो फिल्म वगैरह में ज्यादातर ये स्टंट देखा जाता है, बट अब मैं रियल में दिख रहा हूँ तो भाई विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि मैं रियल में दिखूंगा जो वाला स्टंट, क्योंकि मैंने जानता पिक्चर वगैरह में देखा है। सीमा सुरक्षा बल की अभी देखो पेट्रोल डालने लगे उसके ऊपर, टीम है जिसे हम सीमा भवानी कहते हैं, 2018 में सारे के सारे अंकल पेट्रोल डालने लगे उसी के ऊपर। इसी इस समय आपके समक्ष बिल्कुल जैसे आप किसी बहुत ही थ्रिलिंग फिल्म का एक इवेंट देख रहे हैं, और ये और यहाँ पे तो आग लगा दी भाई साहब। ये देखो दीवार और आग दोनों के साथ होने को तैयार, आगे बढ़ते। ये है टीम कैप्टन इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, और ये बहुत ही शानदार पूरा फोड़ दिया उन्होंने तो भाई साहब, बिल्कुल भी डर नहीं, अलग ही तरीके से देखो कितना तो काला काला धुआं निकल रहा है, पूरा जला दिया एक बार में, बड़ा बुझाने लगे हैं, समक्ष प्रस्तुत करेंगे आग वगैरह बुझाने लगे हैं बहुत ज्यादा। देखो एकदम फटाक हुआ ना तो पूरा गिर पड़ा। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग सेकंडपुर जो पूरी साहब मुझे देख के विश्वास नहीं हुआ, जो वाले स्टैंड को बहुत ही अलग लग रहा है जिस स्टैंड को भाई साहब एकदम भड़ाम से फोड़ दिया, पूरी ट्यूबलाइट वगैरह लगी हुई थी बीच में और आग वगैरह निकल रही थी तो धड़ाक से पूरा फोड़ दिया, लाइन से सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट स्टैंड होने आ रहा है, तो तब तक मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। सो गाइस आई होप आपसे मुझे बाइक राइडिंग वगैरह वैसे सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और बस बाइक राइडिंग तो इतनी सी, बस आगे आके डॉगियों का प्रोग्राम है जो कि आप देख सकते हो। सो गाइस आई होप आपसे कोई ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय फ्रेंड, तो बाय।